आशीर्वाद कल्याण हो, यशस्वी हो, चिरंजीवी हो। जिज्ञासा उत्पन्न, आपका आगमन हो गया और हमारे यहाँ हमारी पुत्री का स्वयंवर चल रहा है। स्वयंवर? हाँ। अच्छा, चाहता हूँ आपके द्वारा मेरे पुत्री के भविष्य का बखान किया जाए। सेवक महाराज, पुत्री की सहेलियों से बहुत शीघ्र ही पुत्री को लेकर पधारे। आनी ने पाई नारद ही भूपति राज कुमार। हेलो, हाँ देख रहे हो बाबा की चेहरा? मैं इसकी मस्तिष्क की रेखाओं को देख रहा हूँ। देखिए देखिए, देख रहा हूँ सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। महाराज ये क्या है? बीच में विघ्न नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी। इतनी सुंदर कन्या तो मैंने देखी। ओ माय गॉड, जिस समय मैं इसकी भाग्य रेखाओं की ओर देखता हूँ, इसकी भाग्य रेखाएं तो अलग ही बता रही है। जो यही बरे अमर सो हुई, इसका जो हरण करेगा वो अमर होगा। इस त्रिभुवन में उसको जीतने वाला कोई नहीं होगा, सभी उस पर मोहित होंगे। बहुत ही प्यारी कन्या है। लेकिन मैं इसके गुण और दोष राजा को नहीं बताऊंगा। राजन, बहुत सुंदर कन्या है तुम्हारी, बहुत अच्छा भविष्य है, किसी प्रकार की कमी नहीं। ये बताओ, क्या बताओ, ये तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर कितने दिन चलेगा? बस आज अंतिम दिवस। आज अंतिम दिवस है? अच्छा अच्छा, मैं चल रहा हूँ। आप इतने जल्दी भूल गया, मैं करताली ही भूल गया। अच्छा अच्छा, कन्या के वजह से मैं करताली तो भूल गया। समझ रहा हूँ। वैसे अब मन नहीं होता इनको धारण करने का। हाँ, अब मन नहीं होता, लेकिन चलो। श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण। इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या मैंने तो आज तक देखी ही नहीं। अब तो मेरा मन ये कहता है, छोड़ दूं ये जंतर मंतर, किसी तरह यह कन्या मिल जाए। जप तप धूना, जप तप धूना, होइंगे ही काला। हे बीते समय नहीं है, किस विधि मिले वह तुम्हारी बालिका। हाँ, ध्यान आया, उसको पाने के लिए सुंदर रूप बनाना पड़ेगा, और संसार में सबसे सुंदर रूप हमारे स्वामी का है। लेकिन अगर मैं वहां जाऊंगा क्षीर सिंधु में, तो बहुत समय हो जाएगा। क्यों ना यही बुलवाया जाए अपने स्वामी को। शांताकार भुजग शयनम पद्मनाशम सुरेशम विश्वधर लक्ष्मीकांत हे भगवान हरि, आज आप यहीं पर प्रकट हो और इस दास की विनती को स्वीकार करें। या दास आपको पुकार रहा है प्रभु, शीघ्र आइए, आ जाइए प्रभु। हाय जन्मा गौ चुंदर ताई,
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते। आ गए प्रभु, आ गए, आ गए प्रभु, आ गए। जय हो प्रभु आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। कहे देवर्षि नारद, आपने मुझे किस लिए याद किया है? बड़ी दीनवाणी में बोल रहे हैं आप। हे प्रभु, हाँ, याद करने का कारण प्रभु, मेरे जीवन में अब बहुत ही अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। जिस समय मैं जाता हूँ क्षीर सिंधु की ओर, देखता हूँ आपसे सैया पर लेटे होते हैं, मैया लक्ष्मी जी चरणों को दबाती हैं। जाता हूँ जिस समय भोले बाबा के पास, देखता हूँ बाघ अंबर पर बैठे हैं, मैया सेवा कर रही हैं। जाता हूँ अपने पिताजी के पास, उनके पास भी ब्रह्माड़ी मेरी माता, लेकिन प्रभु सभी देवी देवताओं के पास नारी है, मेरे पास अभी तक कोई नारी नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए। प्रभु आपको करना कुछ नहीं है, कन्या को हम देख आए हैं, बहुत सुंदर कन्या है, बहुत सुंदर है, बस एक कमी है। क्या कमी है? हम नहीं सुंदर है, हमको सुंदर आप कर दीजिए, अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, ताकि मेरा विवाह उस कन्या के साथ हो जाए। आपन रूप दे प्रभु, आपन रूप, आपन रूप, आपन रूप, आपन रूप, आपन रूप, जेही विधि हो बात बोला, जेही विधि हो बात बोला, आप वही करें जिससे मेरा हित हो, हित हो। हे देवर्षि नारद, प्रभु आपने हमसे कहा कि मेरा हित हो। हे देवर्षि नारद, मैं आपका हित ही नहीं बल्कि परम हित करूंगा। जी दीदी होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सुई हम करब न आन कछु, वचन न रखा हमार, ये हमारे वचन मिथ्या नहीं होंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें, और जिस प्रकार से रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगता है और वैद्य क्या करता है, उसे कुपथ नहीं देता। सत्य कहा, रोगी जिस प्रकार से कुपथ मांगता है, वैद्य कुपथ नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मैं आपका हित करूंगा। यही विधि हित तुम्हार बैठे हो। जय हो प्रभु आपकी, जय हो। चलिए आप अपना रूप मुझे दीजिए।